डियर स्टूडेंट, हम लोग आज चर्चा करेंगे सॉल्यूशन में फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज योर ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक टर्म आएगा जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं क्या राव मैंगो, कुछ डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारा ऑब्जर्वेशन पाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि राव मैंगो सराइवल इन कॉन्टेक्ट ऑफ सेलाइन वाटर। सेलाइन वाटर का मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन में जब उसको डाल देते हैं सॉल्ट के साथ मिक्स करके, तो राव मैंगो सराइवल कर जाता है। विल्टेड फ्लावर्स मुरझाए हुआ फूल गेट रिफ्रेश बिकम फ्रेश व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, जब उसमें पानी डाल दिया जाता है तो विल्टेड फ्लावर सूखा हुआ मुरझाया हुआ सा फूल फ्रेश जैसा हो जाता है। तो ये सब कुछ डेली लाइफ का एग्जाम्पल है जिसके बारे में हमें सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि वन थिंग कॉमन क्या है कि ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड विथ और आर हैविंग सम मेम्ब्रेन, एक प्रकार का उसमें मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि नेचर में हमको पीक्स ब्लैडर मिलेगा, उसके बाद पर्चमेंट एक होता है केमिकल, एक प्लांट ओरिजिन का होता है जो कि कंटिन्यूअस सीट जैसा होता है देखने में लगेगा, बट इट हैज सम सब माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ पोर्स या होल, छोटा छोटा छेद होता है। और सिंथेटिक जो होता है वो होता है सेलोफेन के नाम से, और वो सेलुलोज का एक कंपाउंड होता है सेलोफेन। ऑल दीज थिंग्स आर सीम्स टू बी कंटिन्यूअस सीट्स और फिल्म्स, ये लगेगा कि पूरा कंटिन्यूअस सीट है या फिल्म है, बट इसमें सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स होता है और इसमें छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल वो इससे होकर पास हो जाता है, बट लार्जर सॉल्यूट मॉलिक्यूल जैसे शुगर का सॉल्ट वगैरह का मॉलिक्यूल इससे पास नहीं होता है। इस तरह का जो सीट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने कहा पिक्स ब्लैडर, पर्चमेंट, सेलोफेन, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो राव मैंगो जो बताए या विल्टेड फ्लावर बताए, फ्लावर में भी एक प्रकार का मेम्ब्रेन होता है, वो प्लांट ओरिजिन का हुआ। उसके बाद राव मैंगो में भी जो है एक प्रकार का मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से कवर है, तो उससे होकर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पार हो जाता है बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल पार नहीं होता है। तो क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इस तरह का दो जार लिया है जिसमें एक तरफ हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है, एक में सॉल्वेंट लिया है, एंड बोथ द पार्ट्स हैव बीन कंपार्टमेंट्स हैव बीन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सपोज करो सेलोफेन से सेपरेट किया हुआ है, एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ मूवेबल पिस्टन है दोनों ओर, एटमोस्फेरिक प्रेशर दोनों ओर पड़ रहा है। जब हमने कहा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकता है सॉल्यूट नहीं, तो सॉल्यूशन कंटेंस बोथ, सॉल्यूशन में दोनों चीजें हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट, हमने कहा सॉल्यूट मॉलिक्यूल इधर से पार नहीं होगा। अब इस सॉल्यूशन में बोथ टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, तो मेम्ब्रेन के पास जो आएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल ट्राई टू विल पास फ्रॉम थ्रू द मेम्ब्रेन, सॉल्यूट मॉलिक्यूल विल नॉट। तो इसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं मेम्ब्रेन के आसपास जो आया हुआ है टच में, कुछ मॉलिक्यूल पास होने लायक है कुछ नहीं पास होने लायक है, बट उस साइड से अगर हम देखें सॉल्वेंट साइड से ऑल आर हैविंग द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल पास होंगे। नतीजा ये होगा कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, इधर से सारे मॉलिक्यूल नहीं पास हो रहे, सॉल्यूट वाले नहीं पास हो रहे, सॉल्वेंट हो रहे, उधर से सॉल्वेंट हो रहे, ओवरऑल नेट फ्लो उधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होगा। तो धीरे 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 क्या होगा, इधर का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर इस पर जब प्रेशर मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड जब यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो दिस पिस्टन विल ट्राई टू मूव अपवर्ड एंड द सॉल्वेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल टेक प्लेस अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज अटेंड। इक्विलिब्रियम इन द सेंस इधर से लिक्विड मॉलिक्यूल आएगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, और जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो जब दोनों की ओर के बराबर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब फिर जब इस पर बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा, लिक्विड जो है इसको पुश आउट कर देगा तो एक इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद फ्लो नहीं होगा और तब इसको कहते हैं इस घटना को मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल।
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूव होना फ्रॉम सॉल्वेंट साइड या फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from its side to solution side through semi-permeable membrane is called osmosis. हमने ये कहा था कि इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आने से वो बाय नेचर है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर से आएगा, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो से पास होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. एंड देन व्हेन द लेवल ऑफ वाटर हियर इन दिस जार हियर इन दिस पॉट विल इंक्रीज, तो इधर प्रेशर इंक्रीज करेगा और उधर से आने का जो टेंडेंसी उसको चेक करेगा और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा. देन फ्लो ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड विल स्टॉप. इस घटना को फ्लो को कहते हैं ऑस्मोसिस. और यदि हम चाहते हैं कि तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो ये जो राव अच्छा ये देख ले हम लोग कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में होता है क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, इसमें सॉल्यूट है. और नॉ थिंक अगर यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते और यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर से किधर होता. नेचुरली हम देखते हैं जब इधर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और इधर होता डाइल्यूट सॉल्यूशन होता अगर, तो क्या होता. तो नेचुरली फिर से हम लोग देखते क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स की मात्रा रिलेटिवली लेस है यानी कम है, और यहाँ रिलेटिवली सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है. इसका मतलब ये होगा कि सॉल्वेंट जब इधर कम है उधर सॉल्वेंट की मात्रा रिलेटिवली ज्यादा है. नेट फ्लो होगा किधर से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से लेकर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो होगा. तो ऑस्मोसिस का एक नेचुरल फेनोमेनन ये है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की ओर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो राव मैंगो में क्या है, राव मैंगो के अंदर जो फ्लूड है उसको डाइल्यूट है, और उसको जब हम लोग नमक वाले सॉल्यूशन में या नमक में डालते हैं, नमक वाले सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेटेड मोर है. तो राव मैंगो के मेम्ब्रेन से होते हुए लिक्विड मॉलिक्यूल्स निकल कर सॉल्ट सॉल्यूशन की ओर जाता है, मूव करता है, और दैट्स व्हाई वो सिकुड़ जाता है यानी सॉल्युबल हो जाता है. पीकल बनाते हैं उसमें, अचार बनाते हैं. विल्टेड फ्लावर के समय क्या है, हम लोग जब उसमें पानी में डालते हैं उसको, तो पानी तो प्योर सॉल्वेंट है और फ्लावर में जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो हो जाता है विल्टेड फ्लावर की ओर थ्रू मेम्ब्रेन, और उससे फ्लावर जो है फ्रेश हो जाता है, फ्लावर फ्रेश दिखने लगता है. सो दिस इज योर ऑस्मोसिस. एक बात हो दिस इज वन थिंग. दूसरी बात यह है कि अगर हम चाहते हैं कि इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो ना हो तो इधर से कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर से डालना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इस ऑस्मोसिस. मान लो ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है और उधर से ऑस्मोसिस हो रहा है, उसको चेक करना है. ऑस्मोसिस नहीं होना यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो को रोक देना है, प्रिवेंट करना है. तो तुमको इधर से सम एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन साइड में प्रेशर ऐड करना पड़ेगा या प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा या अप्लाई करना पड़ेगा सम एक्स्ट्रा प्रेशर. वो बाहर दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ ऑटोमेटिकली था, बट सॉल्यूशन साइड में हम चाहते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो नहीं हो, इसको चेक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ेगा. उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, the extra pressure that must be applied to the solution site
टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन. क्या किया हमने, हमने कहा था कि ऑटोमेटिकली नेचुरली ऐसा जो बाई नेचर है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो इधर से इधर हो रहा था, तो ये पिस्टन मूवेबल है तो मूव कर रहा था. हम क्या कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि नहीं नहीं करें, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर इधर से देना पड़ा सो दैट कि ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो जाए, रुक जाए. ने बाय नेचर होना था, उसको जबरदस्ती बाय फोर्स रोका गया प्रेशर अप्लाई करके. इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर नेचुरली, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो डिपेंड करेगा कि कितना हमने इधर सॉल्यूट सॉल्यूशन डाला है. अगर मोर कंसंट्रेट, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है इधर डालेंगे उतना ज़्यादा सॉल्वेंट उधर से आना चाहेगा, उतना ज़्यादा सॉल्वेंट आएगा, और जितना ज़्यादा सॉल्वेंट आएगा उसको चेक करने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रेशर. यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन अगर हम दो बार डिफरेंट अगर एक्सपेरिमेंट करें, एक बार डाइल्यूट सॉल्यूशन लेकर करें और ऑस्मोसिस को चेक करें, थोड़ा हल्का प्रेशर देने से ही रुक जाएगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कम होगा. अगला एक्सपेरिमेंट इधर सॉल्वेंट इधर सॉल्यूशन लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, इस बार मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर से आएगा, उसको रोकने के लिए हाई प्रेशर देना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू हाई हो जाएगा. इसका मतलब है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू हाई होता है. आई मीन ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है. दिस इज वन थिंग. और एक्सपेरिमेंट से फिर देखा गया है क्या कि सपोज करो कि दो सॉल्यूशन हमने बनाया है, एक शुगर का एक यूरिया का, एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आर द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू रिमेंस द सेम. इसका मतलब हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल. किस नेचर का हमने शुगर मिलाया या यूरिया मिलाया या ग्लूकोज मिलाया, इस पर डिपेंड नहीं करता है. इसका मतलब है कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है. देन इट हैज बीन फाउंड, ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंटली कि दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन सी ऑफ द सोल्यूशन. मोलर कंसेंट्रेशन सी ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर. सो इम्प्लाइज दैट पाई इज इक्वल टू सी आर टी एट गिवन टेम्परेचर, वेयर आर इज द गैस कॉन्स्टेंट. आर इज द गैस कॉन्स्टेंट एंड यू नो मोलर कंसेंट्रेशन यानी मोलरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर. वॉल्यूम इन लीटर एंड आर एंड टी वॉल्यूम इन लीटर. और यू कैन से पाई इन टू भी इज इक्वल टू एन टू आर टी एन टू आर टी. एंड वी नो दैट इफ डब्ल्यू टू ग्राम ऑफ द सॉल्यूट हैज बीन ऑफ मोलर मास एम टू हैज बीन डिजॉल्व टू मेक वॉल्यूम भी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, देन दिस कम्स आउट टू बी पाई भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू टू एम टू आर टू. एन टू इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, moles of the solute. Or you can say if you bring m2 को यहाँ ला दें और pi और osmotic pressure और v को यहाँ ले आए w2 r और t divided by pi और v, तो molar mass of the solute can be determined by osmotic pressure. हम लोग डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट करके, एक तरफ लेंगे सॉल्वेंट एक तरफ सॉल्यूशन ले लेंगे, गिवेन सॉल्यूशन जिसमें कि w2 amount gram of the solute has been dissolved to form V volume of the solution. V volume of the solution तैयार किया है और temperature हम लोग नोट किए हुए हैं. R is the gas constant, ये तो नॉन रहता है. और फिर देखेंगे कि osmotic pressure कितना हुआ, और उसके बाद हम लोग को अगर solute के बारे में ना भी पता था कौन सा solute है, हम लोग उसका molar mass determine कर सकते हैं. molar mass determine कर सकते हैं. तो ये एक तरीका है कि अगर ये चीज़ें मालूम रहे, W2 मतलब अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, टेम्परेचर मालूम है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग का नॉन है, तो मोलर मास हम लोग क्या कर सकते हैं डिटरमाइन
कर सकते हैं। अब क्या होता है कि दो सॉल्यूशन यदि ऐसे हों जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, तो वैसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, सॉल्यूशंस हैविंग सेम और इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि हमारा जो ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका, ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, और एक होता है सॉल्यूशन नॉर्मल सेलाइन जो होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 ग्राम ऑफ द सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट NaCl इन 100 मिलीलीटर ऑफ 0.9 ग्राम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर जो सॉल्यूशन बनेगा नॉर्मल सेलाइन होता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और जो हमारा ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है ब्लड सेल्स के अंदर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर है कि ब्लड का तो फिक्स है, ब्लड का हम लोगों ने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर फिक्स है। अब अगर हम लोग ये भी बोले थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, अगर कोई ऐसा हम लोग ब्राइन या सॉल्यूशन बनाए कॉमन सोडियम क्लोराइड का जिसका कि कंसंट्रेशन 0.9 से ज़्यादा है, मतलब 100 मिलीलीटर वाटर में 0.9 ग्राम से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, सपोज करो 1.1 ग्राम अगर डिजॉल्व किया हुआ है, तो दैट सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड एंड विल हैव अ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इन कंपेरिजन टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आवर ब्लड, तब उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन कंपेरिजन टू आवर फ्लूइड्स इन द ब्लड सेल्स, ब्लड का जो है। और यदि हम उसका कंसंट्रेशन लेस रखेंगे, लेस देन 0.9 रखेंगे, तब उस सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इतना ही देखते हैं दूसरे दिन आप।